वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके उन सारे डाउट्स का रिप्लाई है जिसमें आप लोग कंटिन्यू इस डाउट में है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं होता है। इसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं और इसका सोल्यूशन यानी इसके समाधान भी आपको बताता हूं। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इनको फॉलो करते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से और बहुत ही हमने ट्राई करके माइंड से ये चीज़ बनाई है। प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार आप जैसे भी तैयारी कर रहे हों एक बार इन चीज़ों को भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी मिले हमारे लिए लाभकारी होती है, यूजफुल होती है। आइए देखते हैं टारगेट 100 आउट ऑफ 100 में हमें क्या करना है, जो टिप्स है। पहला है जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं और वो है रीड योर टेक्स्ट बुक्स थोरोली, यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको थोरोली यानी कि पूरा पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या फिर कहीं गाइड पासबुक या जो भी गुरुजी उनके खुद के नोट्स बना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एक इंसान का माइंड सीमित होता है। ये आपके गुरुजी के या जो भी टीचर है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब इन्होंने सेलेक्टेड नोट्स बनाए हैं, सेलेक्टेड यानी उनके माइंड के अनुसार सेलेक्टेड। गुरुजी के पास तो पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है, लेकिन वो आपको यानी स्टूडेंट को दे रहे हैं सेलेक्टेड, यानी कि अगर इनके पास में 100% नॉलेज है तो ये 50% ही आपको दे रहे हैं सेलेक्टेड करके। अब इस 50% में से भी सेलेक्टेड में से आपके माइंड में मान लीजिए 40% ये रुका, तो आप कहाँ 100% था टेक्स्ट बुक का नॉलेज, गुरुजी ने दिए 50% और हमारे पास है 40%। अब 40% नॉलेज में से आप लोग जाकर टीचर से कहते हैं कि भैया मेरे ये 5 नंबर का था, अभी रीचेकिंग में कई बच्चे करें, मेरे 3 दिए हुए हैं, सर ने भी बोला कि आपका तो सही है। अरे भाई सर ने तो बोलेंगे, सर तो उन्होंने तो आपको सेलेक्टेड दिया है ना 50% और 40% आपको याद रहा, और इन्होंने जो चेक किया जिस भी टीचर ने उनके अनुसार वो आंसर उतना एग्जैक्ट नहीं है जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो फिर उन्होंने आपके 2 नंबर उड़ा दिए। ठीक है, तो ये विषय ध्यान रखना, यानी रीड योर टेक्स्ट, चाहे बुक इंग्लिश की हो, साइंस की हो, मैथ्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो। देखो बेटा हमें क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करना है या हम चाहते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से मैं लिख दूं, तो उसके लिए कम से कम चैप्टर में क्या हुआ है, चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। सेलेक्टेड में तो 10 पेज के 5 ही पेज का मैटर उन्होंने दिया, उसमें से भी 4 पेज ही हमारे दिमाग में रह गए ओवरऑल। इसलिए ये मैंने विशेष चीज़ बताइए, जब भी आपके टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग में, स्कूल में या ऑनलाइन, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो उस टाइम उसी जगह होना चाहिए, नहीं कि खिड़की में से देख रहे हैं इधर उधर हमारा माइंड ओवर जगह चला गया, तो फिर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, वहाँ तो 4 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए, लेकिन यहाँ कितने चैप्टर हुए, और चैप्टर बुक लेके कोई नहीं जाता है, यही लेकर हम जाते हैं माइंड लेकर एग्जाम में। ओके, नंबर 2, प्रिपेयर मिनिमम 3 to 4 सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स ऑफ टिपिकल वर्ड्स। ये इंग्लिश के और हिंदी वालों के हिसाब से जो कंपलसरी में पढ़ते हैं या फिर जिनके लिटरेचर है वहाँ भी, कम से कम आप 3 से 4 सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड्स। अब आज देखिए सबके पास मोबाइल आ गया, ठीक है, आप हमें भी मोबाइल पर देख रहे हैं, जब आपके पास में इतनी बड़ी सुविधा है तो कोई डिक्शनरी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप गूगल पर जाइए और उस वर्ड को टाइप कर दीजिए। अगर आपके गुरुजी, कई टीचर्स की आदत होती है, एक मीनिंग आया उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताया और आगे बढ़ गए,
कई टीचर्स की हैबिट होती है कि एक दो मीनिंग तो जो उनको ध्यान होते हैं वो बता देते हैं, ठीक है, और कई होते हैं जिनको कोर्स खींचना होता है तो वो थोड़ा जल्दी भागते हैं, लेकिन उनके भागने से हमारे मार्क्स कम हो जाए ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना, वो तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड्स। आप देखिए आपका एक क्लास ट्वेल्थ में डीप वाटर है, उसमें डर के इतने मीनिंग आए हैं कि 5-7 मीनिंग तो फियर आ गया, अप्रेड आ गया, टेरर आ गया, पैनिक आ गया, लगभग ऐसे मिलते जुलते कई सारे वर्ड्स आए उसमें 5-7 मीनिंग। तो हमें क्या है, उन सबको वो पैसेज दे देगा, पैसेज दे देता है, सीन पैसेज, सीन पैसेज में से उन्हीं में से एक मीनिंग पूछ लेगा या उसी का अपोजिट पूछ लेगा। तो ये दोनों ओके, आगे बढ़े। प्रैक्टिस सीन एंड अनसीन पैसेज टिल द एग्जाम डे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, देखिए ये जो चीज होती है ना पैसेज, चाहे सीन हो या अनसीन हो, अरे इसमें तो लाइन मिलाना है यार, इसकी क्या तैयारी करना। और मैं जब रेगुलर ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतने सालों से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पर आपके इस जगह ये जो मैंने बताया ये 9 मार्क्स के आपके अपोजिट और सिनोनिम्स आते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स आते हैं, कितने 9 मार्क्स के। अब जो बच्चा इसमें क्या करना है यार, लाइन मिलानी है, वो लाइन मिलाने वाले के 9 मार्क्स तो ये गए, क्योंकि वो जब लाइन मिलाने वाला है तो उसको मीनिंग सर्च करना तो या तो तुक्का बैठ गया तो ठीक, या इधर उधर से पूछ लिया, नहीं तो गए, ठीक है। अब 80 में से 71 मार्क्स का एक पेपर है कि आपके 9 तो अभी से कम कर लो, अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो मैं सही कर रहा हूँ। दूसरा, जो वो लाइन मिलाते कभी कभी लाइन के इधर आगे या पीछे भी उसका आंसर होता है, लेकिन वो तो वर्ड पे जाता है, क्वेश्चन में 3-4 वर्ड है, 3-4 वर्ड जहाँ मिल गए चिपका दिया, और यही पता नहीं है ये वर्ड तो मिल गए लेकिन आंसर तो पहले निकल गया या बाद में निकल गया। अब हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चा उसकी ट्रांसलेशन नहीं समझता, पर कम से कम प्रैक्टिस तो इंसान को परफेक्ट बना देती है। वो पूरे साल मेहनत कर रहा है, कम से कम 100 पैसेज वो कर रहा है, तो फिर आप जानते हो कि मेहनत तो कहीं ना कहीं रंग लाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आप ये चीज़ भी प्रैक्टिस करें। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मीनिंग सर्च करने के और पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक के भी, आप चाहें तो सीन या अनसीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़े। ट्राई टू राइट आंसर्स बाय योर सेल्फ। बहुत अच्छी बात कही है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राई टू राइट आंसर्स बाय योर सेल्फ, डोंट अफ्रेड ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। यानी कि हम क्या करते हैं, एक आंसर किसी जगह से पढ़ा, किसी टीचर ने लिखा या किसी पासबुक गाइड या नोट से हमने पढ़ा, हम उसको लिख के रट के इतना बढ़िया तैयार कर लेते हैं कि पेपर में आ गया तो पक्का लिख दूंगा। लेकिन होता क्या है, जब ये आंसर आपने याद किया तब इनकी संख्या थी आपके पास 10, जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ये हो जाएंगे 100, ठीक है। जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ता जाएगा और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ रहे हैं, मेमोरी हमारे मेमोरी कार्ड में एक स्पेस लिमिटेड होती है, आपने 1000 हो गए, ठीक है, ऐसे 10,000 हो गए, तो भैया ये हमारा जो माइंड है ये माइंड एक कैपेसिटी है और हर इंसान की हैबिट होती है, वो भूलता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो चीज़ को नहीं भूलता हो, अगर नहीं भूलोगे तो याद भी नहीं होता है, पहले की चीज़ हमारी डिलीट होती है, नई चीज़ आती है। लेकिन इसको कैसे याद रखें, याद रखना रटना नहीं है, मैंने यहाँ लिखा आपको ग्रामेटिकल एरर से नहीं डरना, ग्रामेटिकल एरर्स का मतलब व्याकरण की अशुद्धियाँ। अब बच्चे ने आंसर याद कर लिया लेकिन कोई वर्ड मिस हो गया, कोई लाइन मिस हो गई, अब यार वहाँ ओन था एट था, अरे जो था आपको मूल आंसर याद है ना, आप आंसर पर ध्यान दीजिए। अब कोई ऐसा टेढ़ा इंसान बैठ गया जो एक एक वर्ड देख रहा है, ओन आएगा इन आएगा, उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी मेरे जैसा
या ऐसे और भी कई टीचर्स हैं जो ये देखते हैं कि यार बच्चे ने आंसर लिखा है पूरा आंसर, अब ये इन एट ऑन, तो ये तो ऐसा कोई भी महाशय नहीं है इंग्लिश का जो हर चीज को परफेक्शन, जहां पर इंग्लिश एक लैंग्वेज और वो जो लैंग्वेज वाले ना वो भी, क्योंकि बोलने की इंग्लिश में और ग्रामर में बहुत अंतर होता है, इसलिए इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं है बेटा। इसमें तो बड़े बड़े 30 मार्क हैं वो भी फेल हो गए नॉलेज में, तो बारी बारी लोग बैठे हैं। तो आपको क्या करना, आपको तो उत्तर यानी आंसर लिख देना, वो मूल चीज है। इस चीज पर हमें ज्यादा टेंशन नहीं करनी कि यहाँ ऑन है इन है बाय है, बस आप समझा दीजिए और आपका आंसर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। उसका सार माइंड में होना चाहिए कि हुआ क्या था। बस मैंने कहा ना, ये जो टेक्स्ट बुक को आप थोरोली पढ़ेंगे तो आपके पास में कंटेंट है, कंटेंट है इसका मतलब आपके पास में वो चीज है कि हुआ क्या है, उस चैप्टर में हुआ क्या है। जब आपको ये पता है तो फिर आप टूटा फूटा ही सही, जिसको हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। ज्वाइन टेस्ट सीरीज रेगुलरली, ये चीज मैंने क्यों लिखी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपको टॉप करना है, ठीक है, टॉप करना है 10 लाख स्टूडेंट में, 10 लाख। अब आप देखिए 10 लाख में आप अभी अकेले ही 30 मार्क हो रहे, अकेले किसी से कुश्ती नहीं कर रहे, खुद ही लड़ रहे हैं, खुद को ही विजेता बना रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, कोई आपका साथी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, यानी कि बिना प्रैक्टिस के सीधा मैच में उतरना, हो सकता है पहली गेंद पर हम बोल्ड हो जाएं, आउट हो जाएं। इसलिए कम से कम जो भी कोचिंग है उस कोचिंग में अगर आप पढ़ने जाते हैं, बहुत अच्छा नहीं जाते हैं, तो जो भी 1000 2000 3000 लें, हर संडे जब भी उसका टाइम हो आप वहां पर टेस्ट देने जाए, टेस्ट देने जाए, आपका सेल्फ इवेल्यूएशन बोलते हैं इसको, आत्म मूल्यांकन करें। वहां 50 बच्चे पढ़ते हैं, आपकी रैंक 30 है, ठीक है, तो फिर आप देखिए 50 में आप 30 पर हो तो 100 में आप कहाँ रहेंगे, 1000 में कहाँ रहेंगे और 10 लाख में आप कहाँ रहेंगे। तो फिर आप देख लीजिए, यहां पर आप कम से कम 50 में तो टॉप कीजिए, 50 में तो रैंक 1 लाइए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऑनलाइन भी टेस्ट होते हैं, मैं खुद भी टेस्ट लेता हूँ और वहां पर भी आंसर बताइए। जितने टेस्ट दोगे, जितना स्वयं का मूल्यांकन करोगे, उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये भी आगे बढ़े। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल विद ग्रामर टॉपिक्स, ये ध्यान रखना, कई टीचर्स की आदत होती है, जैसे हम जाते हैं ब्लैक बोर्ड भर देते हैं, इसका ये नियम है, इसके अनुसार ये आता है, उसके अनुसार वो आता है, हाँ गुरु जी सही है, आपने लिखा दिया और एक रजिस्टर फुल भर गया, एक कॉपी फुल भर गई, ठीक है, रूल्स बहुत लिखा दिए। अब जब हम सेंटेंस को सोल्व करने के लिए गए, इसका नियम क्या था, उसका नियम क्या था, एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम आ गया, ठीक है यार, ये वो क्या रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आपको रूल ही रूल पढ़ा दिए, आपको ये नहीं बताया कि इसको प्रैक्टिकल सीखिए। प्रैक्टिकल का मतलब होता है उस रूल को आप जितने सेंटेंस, जितने एग्जांपल्स, जितने एक्सरसाइज से सीखेंगे तो वो आपके एक तरीके से फ्लो में आ जाएगा। फ्लो का मतलब होता है फिर हम रूल से परे चल जाते हैं, जैसे वो गुरुजी पढ़ा रहे हैं हमें वैसा बनना है, हमें केवल रूल्स को रट के, और उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिखा दिए, भाई साहब 2 एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है, हमें 100 एग्जाम्पल्स चाहिए, 1 के 2 आपने लिखा दिए, तीसरा आ गया हमारी पिक्चर गोल है वहाँ पर। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकल हुई है, यानी ग्रामर को रटना नहीं है, ग्रामर को समझना है, मैथमेटिक्स की तरह ग्रामर होती है। डोंट फोकस ओनली ऑन रूल्स, केवल नियमों पर ध्यान मत दीजिए। ओके, आगे बढ़े। डोंट थिंक अबाउट द अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इवन इफ ही स्कोर्स हाई, बहुत ही ज्यादा जो हर बच्चे के अंदर होती है चीज, यार ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरे आगे बैठता है पीछे बैठता है,
इसके तो पहले टेस्ट में ही इतने अच्छे अंक आए हैं और मैं बहुत पीछे रह गया। कैसे भी हो अगले टेस्ट में इसको पीछे रखना है, और हम पूरे दिन रात एक करके लग गए। और उस चक्कर में आपको पता है आपने कितना बड़ा अपराध किया है खुद के साथ। कैसे आप कहेंगे, सर मैंने तो मेहनत की है, पढ़ाई की है, ये मेरे साथ अपराध कैसे हुआ? अपराध इसलिए हुआ कि आपने केवल उस बच्चे को टारगेट किया जो आपसे आगे चल रहा है। मैंने कहा बेटा हमें उसे नहीं, हमें 10 लाख यानी 10 लाख बच्चे उनके ऊपर हमें आगे जाना है, यानी सेल्फ के ऊपर कंसंट्रेशन रखना है। वो कितना ला रहा है, हो सकता है ज़्यादा के चक्कर में हमारे दिमाग में नॉलेज कम, वो स्टूडेंट ज़्यादा आ गया जब हम तैयारी कर रहे हैं, उसको पीछे छोड़ना है, उसको पीछे छोड़ना है। ये नहीं आया कि मुझे खुद को अच्छा परफॉर्म करना है, अब मुझे जितना मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं मेहनत बहुत अच्छा करूँगा। और जब आप ये सोच लेंगे यानी आपके पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो मैं कर रहा हूँ वही नहीं और भी कई सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाएंगे। ओके हम आगे बढ़े, अब अगला टॉपिक लेते हैं, ट्राई टू राइट लेटर पैराग्राफ एसे रिपोर्ट टास्क आर्टिकल इन योर ओन वर्ड्स। इनका एक पैटर्न जो है लेटर का पैटर्न सीख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, 5 लेटर याद कर लिए, तूने कितने याद किए, मैंने 7 याद कर लिए, गुरुजी ने 10 लिखाए हैं, अरे गुरुदेव ने 10 लिखा है, 11वां आ गया तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से कहने आएंगे क्या परीक्षा में से गुरुजी से, गुरुजी ये 10 लिखाए थे आए हैं नहीं, हम तो रट के गए थे, आपने कहा था ये तो आएगा, बड़ा मोस्ट है ये तो सारा ही, यहाँ पर तो काम निमट गया हमारा, क्या करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना, इन सब का जैसे लेटर है इसका पैटर्न सीख लीजिए। भाई ये प्रिंसिपल को, एडिटर को या किसी ऑफिशियल को हमें लिखना है, इसका ये पैटर्न है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर जो ऐसे लिखते हैं, सबका एक तरीका है। और अगर आप फिर इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते तो इनका जो कॉमन मटेरियल होता है वो याद कर लीजिए, मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है। ऐसे पैराग्राफ है, ऐसे है रिपोर्ट है, इनको 5 पैराग्राफ याद, अरे 50 याद कर लो, उसने 51वां दे दिया 51, उसको क्या करोगे फिर, कैसे लिखोगे, तो लिखना ही सीख लेना। हमारा जैसा भी हो, ग्रामर हल्की आए ज़्यादा आए, मीनिंग की कोई स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन खुद का बना हुआ आपको ज़्यादा फायदा देगा और ये टेंशन से मुक्त हो जाओगे 30, 40, 50, 70, 80। ओके, और फिर ज़्यादा ही मोस्ट की है तो फिर एग्जाम डेज में अपने चैनल को देखा करो, वहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद के पैरों पर खड़े हों, न कि 10, 20, 25 याद करके चले जाएं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर योर डाउट्स वेर एवर यू गेट अ चांस इन स्कूल, कोचिंग और यूट्यूब यानी ऑनलाइन। आपके जो भी डाउट हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आया ले तू पूछ ले, उससे बोला अरे कल पूछ लेंगे, अरे यार रहने दे भी है सर लड़ेंगे है ना काटने दौड़ेंगे जो भी है, भाई साहब आप उनको पैसा दे रहे हो अगर कोचिंग पे जा रहे हो तो, उन गुरुजी से आप मुफ्त में नहीं पढ़ रहे। ओके आप पैसा दे रहे हैं तो उनसे विनम्रता से कहिए कि गुरुजी ये जो डेरिवेशन है, ये जो सवाल है, ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है या जो भी आपने पढ़ाया हमारी समझ में नहीं आया, इसको आप रिपीट कीजिए। वो कहें कल बताऊंगा तो कल फिर पूछ लीजिए, अपना कुछ नहीं जाता, ठीक है। कल भी नहीं बताते हैं तो फिर आप कोचिंग जाते हैं वहाँ पूछ लीजिए, उन्हें भी नहीं आता है तो आज जहाँ आप देख रहे हो लाखों आपके पास में ऑप्शन है, कहीं ना कहीं उसका आपको सलूशन मिल जाएगा। लेकिन बेटा ये जो चीज़ होती है ना डाउट, इसको लेकर एग्जाम में कभी मत जाना, इस चीज़ को, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। डाउट पढ़ाई में हो, जिंदगी में कहीं भी हो, डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। दोस्ती में भी किसी के प्रति हमारे मन में कोई बात आ गई, किसी ने बोल दिया, उसने झूठ बोल दिया, उसी से पूछ लीजिए यार भैया तूने ऐसा कहा है क्या, वो बोल देगा यार मैंने कुछ नहीं बोला है, कौन बता रहा था, आपकी दोस्ती बच गई, ठीक है। रिश्तेदारी हो, रिलेशन हो, कहीं भी हो, डाउट पढ़ाई में हो या कहीं भी हो, डाउट तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।